ग्वालियर में 26 सितंबर को गुर्जर समाज का महाआंदोलन किया गया था। महाकुंभ में हंगामा मचाते हुए पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई थी। इस मामले में पुलिस ने सांसद विधायक समेत 700 लोगों पर मामला दर्ज किया है। तो वहीं कांग्रेस विधायक राकेश माबई ने अपनी सफाई का एक वीडियो ही जारी किया है, जिसमें राकेश माबई ने कहा कि मैंने कोई भी मंच से भड़काऊ बयान नहीं दिया है जिससे गुर्जर समाज के लोग उत्तेजित हों। मैंने अपने भाषण की क्लिप ग्वालियर SP को उपलब्ध करवाई है। यह गुर्जर समाज और मेरे खिलाफ एक साजिश की जा रही है। आइए सुनवाते हैं विधायक ने आगे क्या कुछ कहा है। मुझे अभी अभी कुछ चैनलों के माध्यम से ये ज्ञात हुआ है कि कल गुर्जर समाज का जो कार्यक्रम था उसमें भड़काऊ भाषण देने की धारा के तहत मुझ पर और मेरे साथ कुछ जनप्रतिनिधियों पर जो एफआईआर ग्वालियर पुलिस द्वारा दर्ज की गई है वह गलत है। मैंने जो भाषण दिया लास्ट में मैं देरी से पहुंचा और भीड़ जब तक चलने लगी थी उसी बीच में आयोजककर्ताओं ने मुझे देखा और मुझे भाषण दिलाया। मैंने भाषण की क्लिप जो SP ग्वालियर को भेज दी है जिसमें किसी भी प्रकार का मेरे द्वारा भाषण नहीं दिया गया है भड़काऊ। ये पूरा का पूरा षड्यंत्र गुर्जर समाज के खिलाफ और मेरे खिलाफ किया गया है और जिसकी मैं जांच